गाइस कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज वाली इस वीडियो में WCC3 की न्यू मेगा अपडेट के बारे में बात होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे मेंटेनेंस ब्रेक के बारे में बता रहे थे कि यार मेंटेनेंस ब्रेक आई है तो उसका क्या है। तो गाइस उसका सीन ये था कि वो मैं आपको आज वाली वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए आज वाली वीडियो के साथ जरूर बने रहना क्योंकि आज वाली वीडियो में फुल डिटेल पर बात होने वाली है वर्जन 1.1 में, और मेंटेनेंस ब्रेक पर भी बात होगी, न्यू अपडेट के वर्जन 1.1 पर बात होगी, इसके फीचर्स पर बात होगी, अपडेट डेट पर बात होगी, ये सब बातें आज वाली वीडियो में होने वाली है। और फेक न्यूज के बारे में बात होगी जो कि फेक न्यूज एम ही चल रही है WCC3 की न्यू अपडेट को लेकर, तो ये सब आज वाली वीडियो में बात होने वाली है। तो इसलिए एक और चीज आपको कहना चाहता हूं कि यार आप लोग सारे अनसब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब करने की जगह अनसब कर रहे हो, ऐसा ना करो। क्योंकि गाइस अब आपको पता है कि यार मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आजकल इससे आते ही वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो गाइस इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, तो आज वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट कर दें। सो गाइज अगर हम बात करें WCC3 की सबसे पहले मेंटेनेंस ब्रेक के बारे में, तो गाइज वो ये थी कि मेंटेनेंस ब्रेक का ये सीन था कि वो 45 मिनट्स बात कह रहे थे कि हमारे सर्वर अप हो जाएंगे। तो वो ये सीन था कि यार जब भी मेंटेनेंस ब्रेक आती है इसका ये मतलब नहीं होता है कि गेम की अपडेट आने वाली है, इसका मतलब ये होता है कि गेम को चेक किया जा रहा है कि कौन से इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो गाइज और ये चेक किया जा रहा होता है कि यार कौन सा फीचर ऐड करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये होता है। तो गाइज इसका ये मतलब नहीं होता कि न्यू अपडेट अभी आने वाली है, इसका मतलब होता है कि यार गेम को भी थोड़ा सा सेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है गेम को, और इसके सर्वर अभी डोम किए गए हैं खुद से। तो गाइस इसका ये मतलब नहीं होता है कि यार अपडेट आज ही आने वाली है, अपडेट तो वैसे आएगी अब क्योंकि गाइस सर्वर मेंटेनेंस का यही हिसाब होता है, इसके बाद ही अपडेट आनी होती है। तो गाइस अपडेट अब आएगी, उसके बारे में फेक न्यूज भी चल रही है कि 10 से 15 दिन के अंदर अपडेट आनी है, तो वो पक्का कर रहे हैं, लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं होने वाला है, अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है किसी भी ऑफिशियल राय से, बल्कि क्योंकि अभी फेक न्यूज भी कोई इतनी वायरल नहीं हुई है ये वाली। तो गाइस अगर हम बात करें कि यार WCC3 की न्यू अपडेट फीचर्स वाली अपडेट कब आएगी, तो वो गाइज मेरे ख्याल से नवंबर की मिड तक आएगी, जिसमें एक दो फीचर ऐड किया जाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि गाइज आपको पता है कि यार सितंबर को तो 13 सितंबर को फुल वर्जन आया है WCC3 का, जिसमें सब कुछ अनलॉक हो गया, सब कुछ नहीं वैसे टेस्ट क्रिक करो और पता नहीं साथ क्या हुआ यार, मैंने याद भूल गया कौन सी चीज़ अनलॉक हुई जिसके साथ। तो गाइस जो भी था मतलब कि वो फुल वर्जन कह दो कि वो फुल वर्जन 13 सितंबर को आया है, तो अब अक्टूबर में अपडेट आएगी भी, तो वो गाइस माइनर बग्स फिक्स की होगी मेरे ख्याल से, और अगर कुछ होगा तो छोटी मोटी कोई चीज़ अपडेट की जाएगी या फिर एक फीचर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया जाएगा। तो गाइस अगर कंपनी ज़्यादा हार्डवर्क करती है, ज़्यादा मतलब कि फार्म में आ जाती है, ज़्यादा काम करके, तो फिर ये हो सकता है कि कोई फीचर आए। वैसे मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट अपडेट में कोई फीचर आने वाला है, मेरे ख्याल से इस बार की अपडेट कोई बग्स फिक्स की अपडेट होगी, उसके बाद ही कोई अपडेट फीचर्स वाली अपडेट आएगी। वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि गाइस जब भी गेम स्टार्ट करते हैं तो बाद में उसको बग्स फिक्स किए जाते हैं, फिर कहीं फीचर्स के बारे में सोचा जाता है। वैसे अब एक मंथ हो गया अपडेट नहीं आई है, तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि आप सीधा कोई फीचर वाली अपडेट दें। तो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि यार आप लोगों को क्या लगता है कि अपडेट कौन सी आनी चाहिए, फीचर वाली अपडेट आएगी या फिर बग्स फिक्स वाली अपडेट आएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यार मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही है कि यार व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, हालांकि वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ रोजाना के रोजाना। और गाइस वैसे भी मेरे ख्याल से क्रिकेट सीजन खत्म हो गया, शायद आप लोग WCC3 को पसंद नहीं करते हो या फिर अब आप नहीं चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। अगर नहीं चाहते हो तो यार बता दो, मैं कोई और वीडियो बनाऊँ, तो तब भी आप कहते हो पबजी पर वीडियो बनाऊँ कोई भी, तो आप कहते हो यार ये तुम क्यों इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हो। तो अब तो आपको वैसे भी पता है कि यार पबजी टोटली इंडिया में बैन है, लेकिन कुछ लोगों की गेम चल रही है, और ये भी हिसाब है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एयरटेल के साथ वगैरह वगैरह ये चीज़ें होनी है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते ये वाली वीडियोस, तो यार मैं फिर चेंज भी कर सकता हूँ टॉपिक, मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन जब भी मैं टॉपिक चेंज करता हूँ आप लोग कहते हो नहीं यार ये क्या बकवास है, तुम WCC3 पर ही वीडियो बनाओ। तो कैसे इसलिए WCC3 पर ही वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे ख्याल से कुछ फीचर्स अगर सोचें तो गाइस मेरे ख्याल से वही मेरे फीचर्स रहेंगे जो मैं पहले बताता रहा हूँ कि अल्ट्रा एच का फीचर ऐड होना चाहिए LBW के अंदर, कुछ एनिमेशंस आनी चाहिए, और गाइस एनिमेशंस हाँ और कटसीन्स, बस ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए जिससे गेम रियलिस्टिक भी लगने वाली है। तो गाइस आज वाली वीडियो में इतना ही बताना था, इतनी बात करनी थी। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तो गाइस चैनल के साथ बने रहना। तो चलिए गाइस गुड बाय।